गाइस फिर से पहुंच चुके हैं वशिष्ठ मार्केट में अपने हॉस्टल के पास, और अब हम करेंगे लंच जाके एक कैफ़े में। एक्सप्लोर करके आ चुके हैं, और पहला कैफ़े जो यहाँ का एक्सप्लोर कर रहे हैं वह भागसुक कैफ़े। जाते हुए हमें टाइम लगा था 1 घंटा, आते हुए लगा 45 मिनट। हम यहाँ से 12:30 चले थे और 3:30 वापस आ चुके हैं, तो पूरे 3 घंटे में हमारा ये ट्रैक हो चुका है कंप्लीट। और अब हम भागसुक कैफ़े जा रहे हैं हम लंच करने के लिए, क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़ोरों शोरों से। सुबह की सिर्फ एक मैगी खाई थी और कुछ भी नहीं। हम सुबह लेट उठे थे तो ब्रेकफास्ट नहीं किया और सिर्फ एक मैगी खाई है। तो अब अच्छे से करते हैं लंच भागसुक कैफ़े। तो ये कैफ़े है जहाँ पे अभी हम लंच करने वाले हैं। तो ये है भागसुक कैफ़े, अब यहाँ पे लंच करने वाले हैं। ऐसे कुछ यहाँ पे लोकेशन है सारा, ये पीछे लेट के भी कर सकते हो और अंदर बैठने की भी जगह है। यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, टेस्ट करके बताएंगे कैसा रिव्यू और कैसा है। और यहाँ से आपको दोबारा दिखाता हूँ व्यू बैक कैमरा से, कुछ यहाँ से व्यू और नज़ारा है। अब पूरी स्नो पिघल चुकी है, सुबह जो नज़ारा था वो नज़ारा अभी देखने को नहीं मिल रहा, बस अभी ऊपर ऊपर वाले पहाड़ों पे रहेगी स्नो, बाकी पूरी स्नो पिघल चुकी है। तो भाई लंच हो चुका है कंप्लीट और टाइम हो रहा है शाम के 4:30। धूप जा चुकी है, जाई गई तो नहीं है धूप, पहाड़ों के पीछे छुप गया है सूरज, तो इस वजह से ऐसा कुछ माहौल हो चुका है। और अब बस थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, खाना वाना खा लिया, अब और कुछ करने के लिए बचा नहीं, क्योंकि यार दिन टाइम 4:30-5 बज चुकी है, तो और कुछ ज़्यादा करने के लिए बचा नहीं है। तो बस थोड़ा बहुत यहीं पे वॉक कर रहे हैं मार्केट के आसपास ही सड़क में, और थोड़ा टाइम पास करने के बाद फिर हम वापस चले जाएँगे अपने हॉस्टल में, और फिर वहाँ कॉमन एरिया में थोड़ी मूवीज़ वगैरह देखेंगे कुछ। तो भाई चलते चलते वी डिसाइडेड कि हम जाएँगे ओल्ड मनाली, क्योंकि बहुत बोर हो जाता अगर हॉस्टल चले जाते। तो अभी हम जा रहे हैं दोबारा से ओल्ड मनाली, आज भी बाय वॉक ही जा रहे हैं हम। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं माल रोड तक, माल रोड से भी देखते हैं ऑटो वगैरह कराएंगे, अगर 1-1.5 किलोमीटर ही हुआ तो पैदल ही चल जाएंगे हम ओल्ड मनाली भी। तो भाई तो टाइम हो रहा है 6:15 और फाइनली माल रोड पहुँच चुके हैं, वो पीछे माल रोड है, लेकिन हम माल रोड नहीं जा रहे, ओल्ड मनाली जा रहे हैं, क्योंकि माल रोड हमने कल स्नोफॉल में एक्सप्लोर कर लिया था। बैक कैमरा से दिखाता हूँ, आज बहुत ही ज़्यादा क्राउड है क्योंकि आज स्नोफॉल नहीं है और बिल्कुल मौसम क्लियर है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। बैक कैमरा से देखो एक बार, देख सकते हो हम अभी इधर से आए हैं, इधर मॉल रोड है सामने, बहुत ज़्यादा क्राउड है और हम जा रहे हैं ओल्ड मनाली की तरफ। तो हम सब कुछ पैदल ही कवर कर रहे हैं ट्रैक करके, इससे ईजी ये हो जाएगा कि हम थोड़े पतले भी हो जाएंगे, फिट भी रहेंगे, और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं, चीज़ें अच्छे से देख पाते हैं। ऑटो में तो ऐसा है यार, अपने हॉस्टल से बैठे और ओल्ड मनाली पहुँच गए, कुछ नहीं देखने को मिला। अभी हम पैदल आए हैं तो हमने बहुत अच्छे अच्छे सीन, बहुत सारी दुकानें और बहुत कुछ अलग और नया जानने को देखो मिलता है। तो गाइस 5-10 मिनट की वॉक के बाद मॉल रोड से हम पहुंच चुके हैं हडिंबा टेंपल। हमको सिर्फ 10 मिनट ही लगे हैं, देख सकते हैं ये एंट्रेंस है हडिंबा टेंपल की। तो आप भी अगर मॉल रोड पे खड़े हैं तो प्रेफर करें कि आप भी यार वॉक से ही चले जाएं, कि ऑटो वाला आपसे कम से कम 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ ले लेगा। हम तो बसेस से पैदल आए हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पे। और ये हडिंबा टेंपल, क्लब हाउस, मनु टेंपल, ये है ओल्ड मनाली। अभी ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, हम वैसे सोच रहे हैं कि फॉरेस्ट के एरिया से अभी वापस जाएं हम यहाँ से ओल्ड मनाली से माल रोड तक, लेकिन देखते हैं सेफ है कि नहीं, पूछताछ करते हैं, अगर अच्छा हुआ तो ये एडवेंचर भी आज ही एक्सप्लोर करेंगे फॉरेस्ट एरिया। फाइनली ओल्ड मनाली की मार्केट पहुँच गए, ये रहा, हमको 15 मिनट लगे, ये एंट्रेंस है यहाँ से, और ये वन विहार है पूरा, आप फॉरेस्ट के एरिया से भी जा सकते हैं। भाई ये पीछे गेट है और अभी हम फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं, ऐसा कुछ फॉरेस्ट है एंट्री, ये सामने वहाँ पे ओल्ड मनाली की मार्केट है, और ओल्ड मनाली से पहले एक एंट्रेंस है, इसको वन विहार भी बोलते हैं। ये रास्ता हमको वापस कहाँ से लेके जाएगा, जो रास्ता हमने सड़क से तय किया है ना,
ये रास्ता हमको वहीं पे दोबारा ले जाएगा। अभी यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो हम थोड़ा कम ही एक्सप्लोर कर पाएंगे। जंगल के बीच में एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरा यार, बिल्कुल जंगल ही जंगल है यहाँ पे, और कुछ नहीं है हमारे सिवाय कोई भी नहीं है अंदर। बिल्कुल सामने ओल्ड मनाली है, दिखाता हूँ आपको, वो पीछे ओल्ड मनाली है सारा, और ये बिल्कुल जंगल है पूरा। अंधेरा इतना है कि फ्लैश लाइट भी काम नहीं कर रही है। जंगल के रास्ते से जा रहे हैं ओल्ड मनाली, जंगल एक्सप्लोर किया काफ़ी, अब दोबारा से यहाँ पे देख सकते हैं पूरी स्नो ही स्नो है, और अब जंगल के रास्ते से दोबारा बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे एक पुल है, भाई हमने जंगल वंगल एक्सप्लोर किया सारा और दोबारा वापस आ गए। हम उधर नहीं गए, माल रोड की तरफ नहीं गए, जंगल एक्सप्लोर करके दोबारा बाहर वापस आ गए, और अब जा रहे हैं मेन ओल्ड मनाली। बिकॉर्स करते ही मेन ओल्ड मनाली आता है, यहाँ पे सारी ऐसी कुछ शॉप्स हैं, और ये सारा रास्ता हमने पैदल कवर किया है, देख सकते हैं ऐसी कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे, और ये पुल ओल्ड मनाली जाने के लिए। तो ऐसा कुछ व्यू है ओल्ड मनाली का, नीचे आप बैठ के रिवर साइड में आ सकते हैं, और ये ब्रिज है यहाँ पे, इसको क्रॉस करते ही आ जाएगा ओल्ड मनाली। टाइम हो रहा है 7 बजे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी वाइब्स है और काफ़ी अच्छे कैफेज हैं जहाँ पे वो आप एक्सप्लोर करते हो। सारे महंगे और अच्छे कैफेज यहीं पे मिलेंगे आपको एक्सप्लोर करने के लिए, दिखाता हूँ यहाँ पे देखो, ये सारे यहाँ पूरी लाइन में ये जितने भी आपको दिख रहे कैफेज थे, और काफ़ी अच्छे कैफेज है जहाँ पे नाइट वाइब्स आप इंजॉय कर सकते हो, लेकिन साथ साथ आपको इंजॉय करने के लिए पैसा भी चाहिए, क्योंकि कैफेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वैसे तो पूरा मनाली ही एक्सपेंसिव है फूड के मामले में, और ये कैफेज में जाओगे तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे आपको लाइव म्यूज़िक, बॉनफायर, ऐसी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। मेडिसिन वगैरह भी घर से कैरी करना, देखना यहाँ पे। ओल्ड मनाली की मार्केट, सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे होटल्स भी हैं, तो दोनों ही स्टॉप्स हैं यार। मेरे को हमारी वाली ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा अच्छे व्यूज़ वगैरह ज़्यादा, लेकिन अच्छी वाइब अगर आपको देखनी है तो यहाँ मिलेगी। टैटू शॉप भी है पीछे। तो ओल्ड मनाली पूरा ऊपर तक एक्सप्लोर करके आ चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं डिनर करने, तो डिनर करने के लिए हमारी ये ऑप्शन है, ये वाला कैफ़े। दो कैफ़े हैं यहाँ पे, हमने ये वाला चूज़ किया कैफ़े, देखते हैं कैसी वाइब होगी यहाँ पे। ऐसी फ्लैश रख यार, गुड। तो भाई डिनर हो चुका है हमारा, टाइम हो रहा है रात के 9 बजे। हमने खाना यार बहुत ज़्यादा लाजवाब था, अगर ओल्ड मनाली में आए हो तो कैफ़े रेकमेंडेड है, खाना बहुत अच्छा था। और अब हम वापस जा रहे हैं माल रोड बाय वॉक, फिर मॉल रोड से हम कराएंगे ऑटो और चले जाएंगे अपने हॉस्टल में। तो आज का दिन तो रहा बहुत अच्छा, कल सुबह से स्टार्ट करेंगे हम अपना वर्क, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे करना है वर्क, क्योंकि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, वर्केशन के लिए। तो ये जो वीकेंड थे वो तो बहुत अच्छे गुजरे, अब देखते हैं कि हमारा वर्केशन कैसा जाता है। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:30 बजे, पहुँच चुके दोबारा अपने हॉस्टल। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, दिन बहुत अच्छा रहा, मज़ेदार रहा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बने रहना से चैनल पे, रोज़ की वीडियो ज़रूर देखना।